स्लिप ना कर दूं मैं यहाँ से। इसमें आप डुबकी लगाएं, गर्म पानी नहीं है, ठंडा ही पानी है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आपका लैपलैंड में। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ बाहर दिन में, बिकॉज कल मैं रात में यहाँ पहुँचा था। तो फन फैक्ट, हम हैं रोवानेमी फिनलैंड लैपलैंड में, और रोवानेमी जो है शहर वो पड़ता है आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल ऊपर। तो आप लगा लो कि आर्कटिक सर्कल के ऊपर ही चले गए हम। तो यहाँ पे अभी जो हो रहा है टेम्परेचर, दैट इज़ -30°C। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में भी कि जब आप बात करते हो, सांस लेते हो इतनी ठंडी हवा में, पता नहीं क्या चीज़ है, ड्राइनेस है या सब कुछ जम जाता है अंदर, तो इट हर्ट्स। तो अभी मेरे को निकले आपके सामने कितना, एक मिनट भी नहीं हुआ, एंड आई कैन फील कि मेरे नाक में जो भी फ्लूइड्स थे वो जम से रहे हैं। तो हाथ मैं बाहर रख, मतलब एक ग्लव्स पहने हैं पहले, तो उसके ऊपर एक और ग्लव्स पहने हैं, तो जिससे मैंने पकड़ा हुआ है अपना कैमरा। आज का हमारा एजेंडा है कि हम जा रहे हैं करने डॉग स्लेडिंग। यार बहुत सुंदर मॉर्निंग है, काफ़ी ऐसे लाल गुलाबी सा हो रहा है काम। तो डॉग स्लेडिंग, तो कुत्तों को एक लकड़ी की स्लेड पे, लकड़ी की स्लेड बोल लो, क्या बोलोगे, गड्डी, लकड़ दी गड्डी, नीचे टायर नहीं होते उसके, ऐसे वो खींचते हैं उसको, बर्फ़ पे खींच जाती है, टायर की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं डॉग स्लेडिंग करने। डॉग स्लेडिंग मैंने पहले भी करी है, ग्रीनलैंड में करी है। अरे वाह यार, बड़ा ही सुंदर सनराइज़ दिखाता हूँ आगे जाके। तो डॉग स्लेडिंग मैंने पहले भी करी ग्रीनलैंड में, तब तो माशाल्लाह हमारे पास खुद के कुत्ते थे, 4-5, खुद की स्लेड थी, बहुत मुश्किल है यार वो। तो जब यहाँ पे भी उसने बोला ना कि सेल्फ ड्राइव, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट है, अपुका रिज़ॉर्ट करके, बहुत महंगा रिज़ॉर्ट है, तो वहाँ पे स्टे तो नहीं ले पाया मैं। बंदा देख रहा था ऐसे घूर घूर के, क्या कर रहा है ये बंदा, उसकी भी मुझे जम रखी थी पूरी। तो स्टे तो नहीं ले पाया मैं अपुका में, लेकिन फिर मैंने एक्टिविटी कर ली बुक। 170 यूरोज़ की पड़ी है एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होगा कि 2 घंटे की राइड है, उसमें 2 राइडर्स होंगे, एक बार एक चलाएगा, एक बार दो चलाएगा। मतलब इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी अलग है, शायद कुत्ते अलग होंगे, यहाँ पे शायद हस्की होंगे, ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंडिक डॉग्स थे, यहाँ पे हस्की होंगे शायद। तो अरे यार बात थक गई मेरी, तो ये पहना मैंने एक और ग्लव। तो बस वॉकिंग है 25 मिनट का, वहाँ से पिकअप है मेरा, और ये 2 घंटे की राइड करने के बाद वापस आएंगे। मैंने जब अपना एयरबीएनबी ले रखा है भाई, बड़ा महंगा एयरबीएनबी मिला मेरे को यहाँ पे ना, 7,000 पर नाइट, तो 2 नाइट ही रुका हूँ मैं। और आगे मैंने फेरी बुक कर ली है एक, तो वो आगे वाली वीडियोस में आएगा। अभी आज के लिए ये प्रोग्राम है कि डॉग स्लाइडिंग करेंगे और फिर वापस आएंगे, और रात को जाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स देखने। तो मैंने एक और टूर बुक करा है, वो बोल रहे हैं कि भाई गारंटी दिखाएंगे आपको, नहीं दिखी तो पैसे वापस। तो देखते हैं, वो रात में है, अभी पहुंचते हैं अपने पिकअप पॉइंट पे, और वहाँ से पिकअप होगा हमारा, शायद यहाँ से 1.5 घंटा दूर है अपुका रिजॉर्ट, रोवानेमी शहर में नहीं है, थोड़ा बाहर है, तो वहाँ पर डॉग स्लाइडिंग होगी। ये कह रहा था मैं सनसेट, ओ सनराइज मस्त हो रहा है, नहीं ये है भाई यहाँ पे माहौल -30 का, बट मज़े पूरे आ रहे यार, वाह ये तो मैंने अब देखा। शाम का पिकअप मेरा इस वाले होटल से, जो अभी लॉज है भाई, यहाँ पे इतना महंगा है सब कुछ, होटल वोटल सब इतने महंगे हैं कि सबसे सस्ता जो मिला मुझे वही मिला एयरबीएनबी, वो भी मतलब इतना कोई फैंसी नहीं है, एक कमरा है घर में, यहाँ पे बिल्डिंग है ना रश जैसी है, वो ऑब्वियसली वो वैसी बंद सी क्योंकि ठंड इतनी है। तो यहाँ दिख रहा है सनराइज़ पूरा,
अरे मैकडी भी है वहाँ पे, दिखा आपको एम दूर। तो चलिए अभी मैं थोड़ा गूगल मैप्स में देख के ना रास्ता और पहुँचता हूँ, और आपको मिलता हूँ मैं सीधे पिकअप पॉइंट पे। इसको बंद करने के लिए भी ग्लव्स निकालने पड़ेंगे। आईफोन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये ठंड नहीं चल सकता, ठंड और गर्मी। अभी बंद हो गया था फ़ोन बीच में ही, फिर मैं एक बस स्टैंड के अंदर गया, थोड़ा गर्म किया इसको, फिर मैप्स लगाया, अब मैं पावर बैंक पे रखा इसको पक्का ही। पता नहीं क्या हाल बन रखी शक्ल की मेरी, मेरे को दिख तो रहा नहीं है, बट हाँ फील हो रहा है कि सब कुछ जमा हुआ है। 10 मिनट और फिर हम पहुँच जाएंगे पिकअप स्पॉट पर अपने, और फिर शुरू होगी एक्टिविटी अपनी डॉग स्लाइडिंग वाली। मजे तो आ रहे हैं पूरे। तो यार ये देखो, ये है शहर रोवानेमी, यहाँ लाइफ चल रही है मस्त, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग भी निकले हुए हैं बाहर। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ना, यहाँ पे सुपर मार्केट थी, यहाँ पे मैं यहाँ घुस गया, थोड़ा गर्म हो गया दोबारा से, और फिर से निकल पड़ा आगे रास्ते पे। लगातार चलना थोड़ा मुश्किल है। बंद हो जा। तो यार बस मिल गई अपने को, शुक्र है बच गया मरने से मैं। बहुत बुरे हाल है। अब मेरे ख्याल से आधे घंटे की राइड है ये, और फिर हम पहुंच जाएंगे रिजॉर्ट पे और वहां करेंगे डॉग स्लेडिंग। तो भाई बैड न्यूज ये था, अपूका का ना बहुत बड़ा रिजॉर्ट है यहाँ पे एक, तो यही करते हैं डॉग स्लेड, ये काफी एक्टिविटी करते हैं, उन्होंने कर दिया कैंसिल, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो क्योंकि अभी इतनी ठंड हो रही है, यहाँ पे -34 था अभी, तो बोल रहे हैं वहाँ पे -37 हो रहा है अपूका रिजॉर्ट में। और अगर आप वहाँ जाओगे, सब गेस्ट वहाँ जाएंगे, और जब हस्की इतनी तेज़ भागते हैं, मैंने कहा मुझे पता है कितनी पेन होती है लिटरली, मतलब जब ग्रीनलैंड में किया था, तो जब हवा पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बोले कैंसिल कर दिया, कल कर लो। अब कल भाई मेरी ट्रेन है 1:00 वापसी की, तो मैंने कहा कल 10:00 कर लेता हूँ। मेरा नहीं, वो भी काफ़ी डर होगा, 10:00 आप जाओगे, फिर 12:00 वापस आना है बस लेके, आप शायद नहीं ट्रेन पकड़ पाओगे। तो मैंने कहा भाई क्या कर सकते हैं, फिर कैंसिल कर दें और क्या। तो कैंसिल ही कर दिया हमने। तो आज की वीडियो अब डॉग स्लाइडिंग को छोड़ के ये हो जाएगी कि यहाँ पे लाइफ कैसी है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे इसने बताया कि यहाँ पे एक नदी है और आइस होल है, तो वहीं जा रहा हूँ अभी मैं। और मैंने माइक वाइक सब निकाल लिया, क्योंकि भाई ये मेरा फ़ोन हो जा रहा है बंद बार बार, तो मैंने लगा रखा है पावर बैंक। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे लाइफ कैसी है। ये हरी लाइट होगी हमारी, कर लेते हैं क्रॉस। तो हाँ, मतलब लाइफ देखो ऐसी हो रही है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि उन्होंने विंटर एक्सकर्शन कैंसिल कर दिया है। भाई जो चीज़ बनी विंटर के लिए उसे कैंसिल कर दिया कि हाँ अरे यही रहा, ये सामने पुल आ गया अपना, कि नीचे नदी है और नदी जमी हुई है, और उसमें एक आइस होल है जिसमें कि लोग स्विमिंग करते हैं, बंदा चला हुआ है साइकिल पे भी इतनी ठंड में, लिटरली यार जान निकाल देती है ये ठंड। ये बस फॉर अ फ्यू डेज फन है। अरे सामने ट्रेन जा रही है, कितनी दिख रही है आपको क्या पुल के पीछे, आवाज़ तो आ रही होगी। ऊपर देखो चांद दिख रहा है, रुको मैं वन पे कर देता हूँ इसको। हाँ अब दिख, अब तो ट्रेन निकल गई, सॉरी नहीं अभी भी जा रही है, देखो पुल के पीछे देखो और ऊपर चांद। मैं जूम नहीं कर पा रहा भाई, मेरे हाथों में दस्ताने हैं तो टच वच कुछ नहीं कर पा रहा मैं। तो चलते हैं इधर नदी में ना। ये देखो एक तो ना ये वाली एक्टिविटी होती है स्नोमोबाइलिंग वाली, फालतू में धुआं खाते रहो दूसरे का, ठीक है काफी लोग करते हैं। मेरा ये था कि भाई ठंड इतनी है और इसमें गाड़ी भिगाने से अच्छा है कि चलो डॉग स्लाइडिंग कर लेंगे, ठंड करने का मजा तो आएगा ठंड में। अरे इसे क्रॉस करना है कि नहीं देखना पड़ेगा, भाई ने काफी सही टिप दे दिया मेरे को। मैंने कहा भाई मुझे ये बता, अरे ये क्या हो रहा है नीचे, आप देख रहे हो नदी में से कैसे पानी उड़ रहा है।
नहीं, क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो क्या रहा है कि ठंड इतनी है कि जो हवा में वाटर वेपर है ना वो जाते हैं कंडेंस, तो वो हो रहा है। तो ये देखो, ये नदी क्रॉस कर रहे हैं हम। वहां पे दिख रहा है सामने आपको एक कुछ है, कैसे बताऊं, लकड़ी सी लाइट लगी हुई है, वो आइस होल है इनका, वहां पे जाके लोग डुबकी लगाते हैं। चलते हैं वहां पे भी। ओ भाई, बहुत ज्यादा ही ठंड है यहाँ पे पुल पे आके। शायद हवा हवा चल रही है, शायद इसलिए ठंड ज्यादा लग रही है। भाई इस पुल पे हवा चल रही इतनी ना, मौत ही हो जा रही है। नानी चेते आ गई कहने जेनू। ओ वो देखो सामने है आइस होल, ये वाला। मैं डाल रहा हूँ जेब, मैं डाल रहा हूँ हाथ जेबों में। बाय बाय, बस बहुत होगी वीडियो, मरना नहीं मुझे। हाँ जी, तो ये देखिए, वो देख रहे हैं सामने आइस होल है। तो अभी मेरे हाथ ऑलमोस्ट जम गए थे, और मुझे एक बात जो याद है ग्रीनलैंड से वो ये है कि जब आपके हाथ जम जाए तो अपने कच्छे में डाल लो, सबसे गर्म जगह आपके शरीर की वही है। तो मैंने भाई वही किया, हाथ डाल लिए। ये क्या लिखा है, वार्निंग, वॉकिंग ऑन द रिवर आइस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। लेकिन यहाँ पे पहले ही स्टेप्स बने हुए हैं, दरवाज़ा तो है लेकिन ये बंद है शायद, तो अनऑफिशियली जा रहे हैं हम। और ये देखिए, ये है यहाँ का आइस होल, इसमें आप डुबकी लगाएंगे। गर्म पानी नहीं है, ठंडा ही पानी है, लेकिन ऐसे ही वो डुबकी लगाने के लिए, और साइड में ऐसे उन्होंने बना रखा है ये कुछ कुछ। ये है सिस्टम यहाँ का, देखो वही है, ये सब दिख रही है आपको, जो स्टीम आप भाप बोलोगे इसको, लेकिन ये वही हो रहा है कि जो वाटर वेपर ह्यूमिडिटी हवा में है वो सब कंडेंस हो रही है। और सूरज डूबने वाला है ऑलमोस्ट, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे, उगता कब है डूबता कब है, अभी तो एक ही बज रहा है। तो अभी चलते हैं वापसी को ही, अपना जो एयरबीएनबी यहाँ से 40 मिनट्स दूर है, उतने में हो जाएगी मौत हमारी। तो रुक तो चलेंगे, बाद में रास्ते में रुकेंगे, कहीं कुछ देखेंगे, रुकेंगे, चलेंगे या तो देखते हैं क्या सरप्राइज है हमारे लिए इस विंटर वंडरलैंड में। तो इधर ही आया था मैं नदी के इस पार, यहाँ पूरा ऐसे सुनसान है आगे, और कुछ शेल्टर लेने को है नहीं, तो मेरे ख्याल से ऊपर से चलते हैं, पुल के ऊपर से ही। मेरे को अभी एक चीज़ ध्यान आई कि ना ग्रीनलैंड में यही हाल था मेरा, कि ठंड लग रही है, बहुत बहुत ठंड लग रही है, जम रहा है सब कुछ। तो वहाँ पे मेरे पास इंटरनेट था नहीं, मतलब क्या होता है ना, हम पंजाबियों को तो होता है कि पंजाबी गाने सुन लो तो देन यू हैव ऑल द जोश। तो मेरे पास था नहीं इंटरनेट तब मेरे पास फ़ोन में ना 3 गाने रहते थे मूसे वाले के, सिर्फ 3 गाने, एंड आई वॉज लिसनिंग टू दो सॉन्ग्स ऑल द टाइम। तो वही करना पड़ेगा, अब तो इंटरनेट भी है। और आज ही नया नया गाना रिलीज़ किया है करण औजले का, 100 मिलियन, वो भी सुनना है। भाई स्लिप ना कर जाऊं मैं यहाँ से। चलो मैं डाल रहा हूँ ना फोन को अंदर, मेरे हाथ अब जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको 15-20 मिनट बाद। बाय बाय। मौत होगी उन क्रॉस करते करते ना। अच्छा यार, यहाँ पे एक चीज देखना आप, कि गाड़ियों पे कोई वैसे स्नो चेने वगैरह कुछ भी नहीं लगा है। मेरे ख्याल से इनके स्नो टायर अलग होते होंगे, आई डोंट नो, मतलब कुछ लग नहीं रहा मेरे को अलग से तो। बट किसी भी गाड़ी में मैंने स्नो चेन वगैरह कुछ नहीं देखी है, चल ही रही हैं सब ऐसे भी गाड़ियाँ मस्त। पब वगैरह सब बंद पड़े नहीं, इसमें तो है शायद खाने का रेस्टोरेंट, बट अभी मेरे को ना रात वाली एक्टिविटी भी कन्फर्म करनी है, क्योंकि जैसे ये कर दी इन्होंने कैंसिल, अगर वो कैंसिल कर दी तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो रात वाली एक्टिविटी देखनी पड़ेगी वो भी। तो इधर ही आगे जाके उनका ऑफिस है, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ जाके कि भाई नॉर्दर्न लाइट्स दिखाने ले जा रहे हो कि नहीं ले जा रहे हो,
थोड़ा शहर भी घूमा जाएगा ना, और थोड़ी सी ब्रेक भी जाएगी हमारी उस हॉस्टल में जाके, मतलब वो जो ऑफिस में जाके। तो 10 मिनट है इसी रोड पे, फिर आगे जाके हमें एक राइट लेना है। लेट्स गो। और देखो एक चीज़ ना, कि आपको सड़क तो दिख ही नहीं रही है, सड़क पे आप कहीं भी देख लो तो वाइट ही है सारी, जमी हुई बर्फ़ है, वो लूज बर्फ़ नहीं है, आइस है मतलब। और इस पे भी इनको कोई स्नो चेंज की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमारे भी तभी लगाते हैं जब थोड़ी स्लोप होती है, ऊपर चढ़ना होता है, तो फ्लैट पे चलो काम चल ही जाता है। वैसे डेड सा बिल्कुल शहर है, और इतना महंगा हो रखा है प्राइसेस स्टे के, बोल रहे हैं जी हाई सीजन है, और मुझे तो कोई बहुत ही कम ही लोग दिख रहे हैं, थोड़े बहुत ही। यहाँ तो सब एक्टिविटीज़ पर आज तो मुझे लग रहा है सब कुछ ही कैंसल्ड है, आज सारी एक्टिविटीज़ कैंसल होगी। मैंने इनसे पूछा भाई रेनडियर करा दो, बोले रेनडियर भी नहीं है आज, वो भी कैंसल है, बहुत ज़्यादा ठंड है। उनका बताओ भाई रेनडियर को कहाँ ठंड लग रही है, बोला नहीं। ठीक है, तो हाँ पहुँचते हैं अपना ऑफिस में और कन्फर्म कर लेते हैं रात की एक्टिविटी भी, पता लगा वो भी घुस गई है, सारी ट्रिप ही घुस जाएगी, ना डॉग स्लाइडिंग हुई ना नॉर्दर्न लाइट्स हुई। अच्छा इस शहर को ना सेंटा का शहर भी बोलते हैं, वो बस गई उस पर लिखा था सेंटा एक्सप्रेस, तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ऑब्वियसली सेंटा। ये क्या करते हैं लोग ना, जहाँ भी जहाँ ठंड होती है वहाँ पे आसपास कर देते हैं भाई जी ये सेंटा का शहर है। तो यहाँ पे भी है रोवानेमी में भी सेंटाज विलेज, वहाँ पे डालते हैं बच्चे चिट्ठियाँ कि हेलो सेंटा मेरी विश पूरी कर देना। ग्रीनलैंड में भी था, वहाँ भी बना रखा था, वहाँ भी चिट्ठियाँ आती थी बच्चों की, तो यार बच्चे कितने भोले भाले बेचारे। तो सेंटा बैठा होता है अंदर एक बन के, उसके पास चले जाओ फोटो खिंचा लो, मेरा मन नहीं था वो करने का, तो मैंने इसलिए डॉग स्लाइडिंग करी थी और वो कैंसिल हो गई। चलो अब तो क्या बोलते हैं, अब पछताए होत क्या, जब उड़गी मित्रां दी छतरी तो कबूतरी। चलो भाई पहुंचने वाले हैं बस। तो ये देखो अभी भी मैं एक ऐसी रैंडम बिल्डिंग के अंदर घुस गया भाई, इतनी ठंड हो रही थी बाहर, तो मैं क्या बाहर तो मैं जाऊँगा। तो यार अब मैं ऐसी किसी रैंडम बिल्डिंग में घुस गया था, मुझे उनका ऑफिस तो नहीं मिला, थोड़ा गर्म हो गया बिल्डिंग के अंदर, और अभी हम वापस ही जा रहे हैं अपने एयरबीएनबी। इस मतलब मुझे ऑफिस तो नहीं मिला, लेकिन मुझे व्हाट्सएप आ गया गाइड का कि बोल रहा है कि आज क्लाउडी हो रहा है, तो शायद कैंसिल कर देंगे नॉर्दर्न लाइट्स का टूर भी। तो पूरा का पूरा ट्रिप ही घुस गया अपना, ना डॉग स्लाइडिंग हुई ना नॉर्दर्न लाइट्स हुई, मतलब नॉर्दर्न लाइट्स में पता था कि इट्स मतलब अनप्रडिक्टेबल होगा नहीं होगा, लेकिन डॉग स्लाइडिंग तो यार वो कैंसिल होना नहीं बनता था। चलो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, अभी भी होप है, बताएगा अभी वो मैसेज करके 6 बजे, अभी बजे हैं 3 शायद। तो अभी मैं एयरबीएनबी जा रहा हूँ अपने, और थोड़ा सा खाना पीना करते हैं अपना वहाँ जाके, फिर देखते हैं भाई, अगर तो दिख गई लाइट्स तो अलग वीडियो बना दूंगा उसकी, नहीं तो घुस गया ट्राई कर सकते हैं है? चलो चलते हैं वापस एयरबीएनबी। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। तो कल नॉर्दर्न लाइट्स तो देख ली हमने, लेकिन बड़ी कहानी हुई उसके पीछे। पहली चीज़ तो ये हुई कि जो हमारा टूर था उसने कैंसिल कर दिया 6 बजे, उसने मुझे वापस मैसेज किया कि भाई नहीं जा रहे, बड़े बादल हैं। फिर जब मैंने देखा बाहर में कभी बादल तो है नहीं, पर उसने कैंसिल कर दिया। देन मैंने एक और टूर बुक कर दिया, मैंने कहा चलो ये नहीं तो कोई और सही, कोई और ले जाएगा। वो भाई साहब इतना निकला कमीना, वो मुझे पिकअप करने ही नहीं आया, और बाद में बोल दिया कि भाई तुम लेट हो गए इसलिए मैं तुम्हें पिकअप नहीं करा, ताकि उसको रिफंड ना देना पड़े। तो ये किया उसने मेरे साथ, तो मैंने चढ़ा वट, मुझे गुस्सा आ गया कि भाई ये क्या बात हुई। फिर मैं खुद ही मैंने जगह ढूंढी एक शहर में, लेक सी थी एक बड़ी सी, वो जमी हुई है तो मैं पूरा अच्छा व्यू मिलता है वहाँ पे, वहाँ चला गया। वो मेरे एयरबीएनबी से आधे घंटे दूर थी चल के, वहाँ गया और वहाँ पे
नॉर्दर्न लाइट्स दिख गई अपने को। लेकिन आधा घंटा गया वहाँ पे खड़ा हुआ, आधा पौना घंटा ठंड में, फिर वापस आया, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है ना, अदरवाइज तो कोई ऐसी बात थी नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं ट्रेन टिकट बुक करने वापसी की, हेलसिंकी की। और हेलसिंकी पहुँचेंगे रात में, फिर दो दिन रुकेंगे हेलसिंकी में, और फिर वहाँ से लेंगे क्रूज़, प्राइवेट कैबिन वाला, खाने पीने वाला पूरा, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इंक्लूडेड, वो क्रूज़ लेंगे हम 20 तारीख को, मंडे होगा शायद वो, आज पता नहीं क्या है, आज फ्राइडे है, पता नहीं आज, जो भी दिन है। तो वो क्रूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वो आपको दिखाएंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएँ थोड़े से, है नहीं। चलो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय फॉर नाउ।